वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एक मैथमेटिकल टूल विच वी कॉल इट एज डेरिवेशन. ठीक है, तो हमने क्यों सीखा वो, क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानना था, तो इसके लिए हमने डेरिवेशन सीखा, डेरिवेटिव्स सीखे और डेरिवेशन कैसे करते हैं, इस ऑपरेशन को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, ये सभी हमने पिछले वीडियोस में देखा. और तो और बच्चों, आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वीडियो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर एक कॉन्सेप्ट डिपेंड है. ठीक है, अगर आपने एवरेज वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा. ठीक है, तो पहले आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझ लाइए. ठीक है, यू ब्रिंग सम नॉलेज रिगार्डिंग एवरेज वेलोसिटी, देन कम बैक टू दिस सेशन. ठीक है, ओके. तो अभी एवरेज वेलोसिटी हुआ, अभी हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है बच्चों, तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, देन एवरीथिंग इज सेम फॉर स्पीड. ठीक है, स्पीड में सिर्फ क्या चेंज होगी, डिस्टेंस आएगी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगी, बाकी सब सेम है बच्चों, एक्सप्रेशन और सब सेम है. ओनली द थिंग इज ये वेक्टर होगा और ये स्केलर होगा. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अच्छा, क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको पढ़ना है. ठीक है, ओके, देन देखो पहले हम इधर टाइम का बिहेवियर देखेंगे बच्चों. ओके, टाइम का बिहेवियर. ठीक है, तो टाइम हाउ इट बिहेव्स, हाउ द टाइम चेंजेस, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, देखो टाइम इधर दो तरह का हो सकता है. ठीक है, एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम, एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम और एक होगा पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और एक होगा पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम यानी क्या, शार्प टाइम. ठीक है, शार्प टाइम. पीरियड ऑफ टाइम यानी क्या, एक टाइम इंटरवल होता है बच्चों. मैं ऐसे कहूंगी तो आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे. ओके, मैं बोलती हूं अगर कि मैं सुबह शार्प 9:30 AM को घर से कॉलेज के लिए निकलती हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, या आप बोल सकते हो कि फ्रॉम एग्जैक्टली 9:30 आई लीव माई होम टू कैच अ बस फॉर कॉलेज, ये था सेंटेंस. तो इस सेंटेंस में आपने क्या कहा कि मैं शार्प 9:30 को घर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ कॉलेज के लिए. ठीक है, ये शार्प 9:30 AM ये क्या है बच्चों, ये है एक पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे आप कितने बजे से कितने बजे निकल रहे हो या कभी पहुंच रहे हो, ये सभी जानकारी आप नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप कह रहे हो कि शार्प इतने बजे मैं घर से निकलूंगा या निकलूंगी. ठीक है, तो वो है पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम यानी क्या, हम मेरा कॉलेज का टाइमिंग है 9:30 to 4:30. ठीक है, अगर ऐसा है 9:30 AM to 4:30 PM ये है मेरा कॉलेज का टाइम, तो ये बन गया क्या, पीरियड ऑफ टाइम, शुरू से लेकर एंड तक, शुरुआत से लेकर एंड तक का जो हम टाइमिंग बताते हैं. ठीक है, उसको कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, शार्प टाइम यानी क्या, पॉइंट ऑफ टाइम यानी क्या, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट यू आर लीविंग योर होम. जैसे कि शार्प 9:30 AM हम बोलते हैं ना, शार्प 9:30 AM आई रीच द कॉलेज. ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम. कहां पर है पॉइंट ऑफ टाइम, सो 9:30 AM बिकम्स द पॉइंट ऑफ टाइम. एंड पीरियड ऑफ टाइम यानी क्या,
कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, हमारा वो काम है जो भी है, ठीक है, हम किस वक्त से वो शुरू कर रहे हैं और किस वक्त उसको एंड कर रहे हैं, ये बताएगा कि टाइम इंटरवल, ठीक है, ये होगा टाइम इंटरवल या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम जब भी आएगा उसमें हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम हमने कहाँ यूज किया है याद कर लो थोड़ा बहुत, हमने इसको यूज किया है एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने में, ठीक है। टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी वी हैव यूज्ड दिस पीरियड ऑफ टाइम, है कि नहीं, याद कर लो ऐसे ग्राफ का अपना, ठीक है। मान लो एक ग्राफ है ऐसा, ये है पोजीशन और ये है टाइम, ये एक्सेल है पोजीशन होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड में एक मीटर, दो सेकेंड में दो मीटर, ठीक है, और तीन सेकेंड में हमने लिया था 6 मीटर, ऐसे कुछ लिया था, और हमने कहा था कि इस ग्राफ में आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कर दो, कहां से कहां, 0 से 3 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी क्या, ठीक है। देखो इस टाइम ये क्या है बच्चों, ये है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम जब भी आएगा वहां पर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेलोसिटी कर सकते हैं। तो अब कैसे करते थे एवरेज वेलोसिटी, याद है कुछ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस द इनिशियल टाइम, ठीक है। तो यहां पर x2 क्या है बच्चों, 6 है, x1 क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 0, t2 0 है, और t1 कितना था, सॉरी t2 कितना था, 3 सेकेंड, और t1 कितना था, 0 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन गई, 3 × 3 = 2 मीटर पर सेकेंड बन गई। तो हमने एवरेज वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट किया था बच्चों, एक एग्जांपल मैंने लिया था, याद है, एक सेकेंड पे
कार इधर रुकी थी, ठीक है, इधर रुकी थी। बाद में हमने देखा कि ये कार दो सेकेंड में आकर तीन पर आ गई, ठीक है, और ऐसे ही चल, देखो इधर रुकी नहीं है कार, ठीक है। हम यहाँ पर जब कार आ जाएगा तब हमने उसको उस पोजीशन देख लिया हमने उस कार का, ठीक है। मैंने बोला ना ऑलरेडी इस रोड पर एक मार्किंग किया गया है कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल कर रहा है, ये क्या है उस कार का डिस्प्लेसमेंट लिखा है इधर, राइट। द कार्स डिस्प्लेसमेंट इज नोटेड ओवर हियर एंड वी हैव अ क्लॉक इन आवर हैंड एंड वी आर लुकिंग फॉर द टाइम, ठीक है। तो हमने देखा कि फटाक से एक सेकंड में हाँ कार एक मीटर में आकर रुका नहीं, चल रहा है एक मीटर पे आया, ठीक है, ऐसे तो आगे वो बढ़ रहा था और हमने देखा कि तीन मीटर पे दो सेकंड हो गया, ठीक है। और तो और वो बढ़ा इतना तेजी से बढ़ा कि वो आकर सिक्स मीटर पे टाइम हमको दिखाई दिया थ्री सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कभी हमने टाइम को नोट नहीं किया, यहाँ पे समझ में आ रहा एग्जाम्पल, ओके। तो एक कार का मोशन हुआ इधर, तो मैं इस कार का मोशन को मैं ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकती हूँ, ठीक है, हम ग्राफिकल भी प्लॉट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ले सकते हैं बच्चों, एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखो कार पहले तो उसका स्पीड जो भी है वेलोसिटी है पहले थोड़ा कम था, ठीक है, एक सेकेंड में एक मीटर था, फिर चला देखो तेजी से बढ़ा और तेजी से वो बढ़ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस एग्जांपल में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि नियर अप करो, ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि T1 तो 0 है बच्चों, अभी T2 कहाँ है, ये बन गया T2,
तो जीरो ही है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब हम यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो करेंगे 3 - 0 3, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय टाइम, 2 - 0 2, तो 3 बार 2, तो कितना बजेगा, बजेगा 3 1 3 3 2 3 1 3 वेलोसिटी ऑफ द कार, क्या हम बता सकते हैं, नहीं बता।
क्या है? देखो ग्राफ डाल देते हैं हम लोग, आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मैंने x वर्सेस t ग्राफ लिया है। एवरेज वेलोसिटी मिल गया, फिर भी एवरेज वेलोसिटी मिल गया अभी, समझ
exactly at two cities. Is it possible? No, it is not possible. So hence, we are going to use that differentiation ka funda tha na, wo hum use karenge. So differentiation ka funda kya tha? A by tha, A x tha. Humne aisa graph liya tha, Newton ne kiya tha, right? तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था, याद है, ये पॉइंट और ये था बी पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है, तो इसका स्लोप करके हम टैन थीटा ले सकते हैं, पर ये देखो ये एंगल इधर चेंज होते जा रहा है। इधर मैं टैन लेती हूँ तो थीटा चेंज होगा, इधर थीटा वन, इधर ले लेती हूँ तो थीटा टू होगा, इधर ले लेती हूँ टू थीटा थ्री हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ है तो एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एंगल चेंज हो रहा है यानी स्लोप भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप जहां चेंज होती है वहां पर हम एवरेज वेलोसिटी नहीं कर सकते, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये सीखा था कि हमने दिमाग लगाया कि इन दोनों पॉइंट्स को इतने करीब लेके आओ, इतने करीब लेके आओ कि वो दोनों इतने पास हो कि एक स्ट्रेट लाइन जैसे लगे, ठीक है। वी ब्रिंग दिस टू पॉइंट्स इन द सच अ वे दैट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे लुक लाइक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ बनेगी ट्राइंगल और यहाँ आ जाएगी टैन थीटा। क्या था कि नहीं याद है? y2 minus y1 divided by x2 minus x1, इसको हमने लिखा था delta x by, sorry, dy by dx। तो ये dy by dx क्या है बच्चों? ये derivative है इस function का, ठीक है। तो ये है अपना average velocity। अगर मैं इधर slope ले लेती हूँ तो average velocity मिलेगा। देखो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या देगा मुझे? एवरेज वेलोसिटी देगा किस टाइम इंटरवल में? 0 टू 3 सेकेंड टाइम इंटरवल में। तो वेलोसिटी, ई वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी, एक बड़ा सा फंक्शन बन गया, ठीक है, एक बड़ा सा फंक्शन बन गया। हमने पूछा कि 2 सेकेंड में, एक शार्प 2 सेकेंड में उस कार का वेलोसिटी क्या है, मतलब ये 2 सेकेंड जो है इस बड़ा सा फंक्शन का एक डेरिवेटिव है, ठीक है। दिस 2 सेकेंड इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर फंक्शन, इजंट इट? सो इन दिस टाइम इंटरवल और इन दिस शार्प टाइम वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो हमने क्या किया? हमने किया कि ऐसे टाइम इंटरवल ले लो जो बहुत 2 के बहुत पास हो, ऐसा टाइम इंटरवल ले लो जो 2 के अगल बगल में ले लो, जो 2 के बहुत बहुत करीब हो, जैसे कि 2.00001 सेकेंड हो, ये ठीक है। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ और पीछे का 1 पॉइंट कुछ है ना, 1.9999 सेकेंड ले लो। देखो क्या ये दोनों 2 के बहुत करीब है कि नहीं? तो कहाँ है? इन दोनों के बीच में 2 है। तो दिस इज द टाइम इंटरवल विच वी आर चूजिंग इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी एट शार्प 2 सेकंड। तो क्या हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी? हाँ कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये तो बहुत बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल है बच्चों। देखो यार, मैं इसको ले लेती हूँ t1 और इसको ले लेती हूँ t2, ठीक है। ये यहाँ पर आके ड्रॉप हो जाएगा, ये इधर आके ड्रॉप करोगे तो ये बन गया x2 और ये बन गया x1, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बाद जो आएगा वो x1 बनेगा, 3 पॉइंट के बाद में जो आएगा वो x2 बनेगा, ठीक है। ये वैल्यूज लेकर हम वेलोसिटी ड्रॉ कर देते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी को पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
जिस शार्प टाइम पे आपको कहा गया है कि वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, उस शार्प टाइम के अगल बगल में एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो, ठीक है। वो टाइम इंटरवल ऐसा होना चाहिए कि वो टेंडिंग टू जीरो हो, ठीक है, मतलब बहुत 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 छोटा बने, इनफाइनिटसिमली स्मॉल बने, ठीक है। इनफाइनिटसिमली स्मॉल यानी क्या, इनफाइनिट तो बहुत बड़ा है, पर इनफाइनिट यानी क्या, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको 1/∞ करो तो बहुत 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 छोटा आएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो, जैसे कि वो लगे कि वो जीरो के पास दौड़ रही है, जीरो बनने के लिए दौड़ रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो T2 - T1 है ये क्या कर रहा है, दिस इज टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो मतलब छोटा बन रहा है, बहुत ही छोटा है। तो मैं क्या इस फंक्शन को, इस रिलेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, यही कॉन्सेप्ट लगा रही हूँ मैं इधर, ओके। छोटा है तो हमने क्या लिखा, dy/dx, यहाँ पे dx, x है इधर तो मैं लिखूंगी dx, तो इधर t है, dx के जगह में इधर मैं dt। सी हाउ डिड आई गेट दिस, बाय दिस थ्योरी, ठीक है। तो यही थ्योरी को इधर लगाना है बच्चों, कि शार्प टाइम पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, उस शार्प टाइम के अगल बगल में आप छोटा सा एक इंटरवल ले लेना, टाइम इंटरवल जो बहुत बहुत ही छोटा हो, बहुत नजदीक हो, किसके नजदीक हो, उस शार्प टाइम के नजदीक हो, ठीक है। तो वो दिखने में ऐसे लगेगा कि वो जीरो के जीरो बहुत छोटा होने के लिए जा रहा है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है, कि दैट टाइम इंटरवल इज बिकमिंग इनफाइनिटसिमली स्मॉल, इनफाइनिटसिमली स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही क्या है बच्चों, यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा ऐसे करेंगे तो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पलक झपकते टाइम पर जो आप वेलोसिटी देखते हो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो अब क्या करो, अब तो कार या गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है, आप एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, तो आप उसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, इस फॉर्मूला से, x2 - x1 / t2 - t1। तो मैं अगर कह दूं कि एग्जैक्टली 2 घंटे में, एग्जैक्टली एट 2 PM आप कितने वेलोसिटी पे थे, गाड़ी आपकी कितनी वेलोसिटी पे था, ये मैं अगर क्वेश्चन पूछ दो तो क्या करूँ। माय क्वेश्चन इज, आई रिपीट, कि आप एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, ठीक है, 9:30 बजे आपने छोड़ दिया घर और 5 बजे आप पहुंच गए, तो बोलोगे 9:30 बजे से 5 बजे तक मैंने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो मेरे एवरेज वेलोसिटी होगी इतना। अगर मैं कह दूँ कि एग्जैक्टली एट 2 PM व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ योर कार, तो आप क्या करोगे, तभी आप स्पीडोमीटर देखोगे, आपका कार का स्पीडोमीटर होगा, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर समझ लो आप कार चला रहे हो, अगर मैं कह दूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सेकेंड्स में मैं जब भी स्पीडोमीटर देखूंगी वो बनेगा उस कार का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। गाड़ी चला रहे हो और कहोगे 1, 2, 3, 4, 5 स्पीडोमीटर देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5 स्पीडोमीटर देखोगे, तो एट दैट चिटकी भर में जो आपने टाइम स्पेंड किया था चिटकी मारने में, तब कार भी चला रहे थे एक हाथ से, ठीक है, तो तब कितनी कार ट्रैवल हो गई थी वो बनेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
Instantaneous velocity is very simple. The velocity of an object at that particular instant of time is called as instantaneous velocity. तो instantaneous velocity, average velocity का एक छोटा सा derivative है बच्चों, ठीक है? Average velocity एक बड़ा सा function है. उस बड़ा सा function में instantaneous velocity उसकी एक derivative है. इसलिए हम उसको लिखते हैं dx by dt, ठीक है? तो लिखते हैं definition of instantaneous velocity. तो लिखो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं. पहले एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो पहले आप एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे. और इधर इस एवरेज वेलोसिटी में एक लिमिटेशन आएगा, कुछ हद तक लिमिटेशन आएगा. लिमिटेशन क्या है? लिमिट व्हेन डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो. क्या कर रहे थे हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था कि टाइम इंटरवल को बहुत 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 छोटा कर दो, ठीक है? टाइम इज टेंडिंग टू जीरो, टाइम वी आर मेकिंग इट इनफाइनिटेसिमली वेरी स्मॉल. तो वो लिखना है ना, सेंटेंस में तो नहीं लिखेंगे. तो हमने क्या किया, एक लिमिट लगा देंगे और डेल्टा टी ये सिंबल क्या बताएगा, टेंडिंग टू जीरो. ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज व्हाट? इट्स द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी. लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इसी को लिमिट लगा देना, ठीक है? तो ये क्या बनेगा, ये छोटा सा डेरिवेटिव बनेगा. क्या बनेगा? dx बनेगा. ये क्या बनेगा? dt बनेगा, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी को ही हम लिमिट लगा देते हैं, ठीक है? लिमिट व्हेन डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, इसको भी लिमिट लगा दिया, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा, dx by dt बनेगा. तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, अभी ये कैसे चेंज हो रहा है? तो हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, rate of change of displacement. ये क्या है? x displacement है. At that particular instant of time, at that particular instant of time is called instantaneous velocity, ठीक है? तो instantaneous velocity को आप vi लिख सकते हो या सिर्फ v लिख सकते हो. और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? उसके सिर पर एक एरो मार्क लगाते हैं. अगर बार लगाते हैं तो एवरेज होगा, अगर एरो मार्क लगाते हैं तो वो बनेगा वेक्टर, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये बन रहा है instantaneous velocity. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. अभी देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये भी सेम है बच्चों, ठीक है? या डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लिख देंगे डिस्टेंस. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड IS लिखती हूं मैं. ये क्या है? ये भी dx by dt होगी, जहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ change of distance at
इंस्टेंटेनियस स्पीड, आईएसएम द इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझ में आ रहा है? अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अच्छे से समझते हो तो स्पीड भी वही, कुछ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, इधर डिस्टेंस आएगा, बस वही तरीका सभी सेम है, ठीक है, फॉर्मूला सभी सेम है, ठीक है, तो समझ में आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, क्या है? एवरेज वेलोसिटी एक फंक्शन है और उस फंक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका डेरिवेटिव है, ठीक है? तो हम कैसे डिराइव करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? पहले हम उस इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम इंटरवल को छोटा 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 करते जाएंगे, इनफाइनिटसिमली स्मॉल कर देंगे, तो वो इनफाइनिटसिमली टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी वेरी छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा और टाइम भी छोटा होगा, तो दोनों को डिवाइड कर देते, ठीक है, समझ में आया? तो ये होगा असल में उसका डेफिनेशन, dx by dt, ठीक है? तो कॉपी कर लो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इस पर, तो आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।